आज के इस अहम और बामकसद तशरीफ फरमा जो जिम्मेदार रहे जिनको अभी मुशाका ने नाम बनाए सबको याद किया। मैं वक्त को जायदा करते हुए दिल की अमीर तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूं और एक अहम कदम, क्योंकि हमारा मसला बड़ा अजीब और गरीब भी है कि कोई चीज का आवाज तो बड़े अच्छे अंदाज में हो जाता है और कभी कभी पता नहीं क्या मसायल आ जाते हैं, क्या दिक्कतें आ जाती हैं, क्या आपस में हम किस तरीके से अनानियत का शिकार हो जाते हैं कि हम अपने मकसद से हट जाते हैं। तंजीमें मन से शऊर पर तो आती है लेकिन इख्तिताम तक नहीं पहुंच पाती है, ये हमारा अलमिया है, इसे कबूल कर लेना चाहिए। इसलिए कि 10 साल का कब हमने भी हज हाउस में एक ऐसे ही महाराष्ट्र फेडरेशन करके जो है फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज करके एक तंजीम का आगाज किया था। बस ऐसी हुआ, काम तो बड़े खूबसूरत अंदाज में शुरू हुआ, धीरे 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 लोग जुड़ते गए लेकिन मकसद यही हुआ कि लोग बिखरने लगे। अच्छा, उसके बिखरने में भी बड़ी अजीब और गरीब दास्तानें भी हैं। लोगों की तवक्कात इतनी हो जाती है कि ऐसे समझते हैं कि भाई आदमी ने जो बेड़ा उठाया है उसने हमारा सब काम कर देना चाहिए। ये हमेशा अलमिया हमारा, हम ये समझते हैं कि भाई शिकलकर साहब ने ले लिया ना, अब हमारा काम खत्म, आप वो जवाब दें। ऐसे जब तक कि पानी रब्त नहीं होगा, इर्तिबात नहीं होगा, राबता और जाबता मजबूत नहीं होगा, कोई काम नहीं हो सकता है। बात बहुत गलत है, इसीलिए कि हर आदमी जवाब दे है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुमको हमने यूं ही पैदा किया है और क्या तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आते। जिम्मेदारी की बात है, एहसास है जिम्मेदारी की बात है। अगर कुछ अफराद इस काम में अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है किसी काम के लिए, तो हमारा काम है कि उनके शाना बशाना खड़े रहकर उनका ताउन करें। जोश जज्बात अलग चीज है, हकीकत अलग चीज होती है। अब जैसे खातून ने कहा हमारी कि भाई हकीकत में बहुत उनका सवाल था हमारी बहन का कि अगला क्या है, हम क्या कर रहे हैं आपकी मरतबा। अच्छा, दूसरी बात कि मैं ये समझता हूँ कि पूना से जो अजरात आए हैं, मेरा इत्तेफाक से एक मेरा नजरिया भी है या मेरा एक दूसरा मकान जो है वो पूना भी है, मैं पूना में भी कायम करता हूँ, ज़्यादातर तो बॉम्बे में रहता हूँ, कभी कभी कारोबारी नस्बत से मुझे पूना भी जाना रहता है। तो जो लोगों ने बेड़ा उठाया है और यहाँ पर जैसे मुश्रा भाई ने कहा कि ये तारीखी लाइब्रेरी है, बिलाशुबा करीबी लाइब्रेरी का अपना एक मकाम है, बल्कि यहाँ पर आपके एक बात मुश्ता भाई नहीं बोल पाए कि आज़ादी की तहरीकों के ताल्लुक से, हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीकों के ताल्लुक से उस वक्त के जो जैत रहनुमा थे हमारे, वो यहाँ बैठकर अपने तमाम मनसूबे बनाते थे। मुश्ता भाई सही है, तो यहाँ पर इस जगह की बड़ी तारीखी और मिसाली अपनी कैफियतें रही है और उम्मीद करते हैं कि आपने जो एक मनसूबा अपने जहन में लिया है, अल्लाह ताला जिस तरह आज़ाद हिंदुस्तान की तहरीकें यहाँ से और इसके सिवा बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे मनसूबे हम काहे बताए, अगर आप लोग को अखबार पढ़ते होंगे कि भाई हमारे यहाँ पर करीबी लाइब्रेरी में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ताल्लुक से या जमीतुल उलमा के या बहुत सारी ऐसी तहरीकें जो मिली और हमारी मुल्क की होती है वो यहाँ पर मनसूबाबंदी के ताल्लुक से होती रहती है। तो बराए कारण इसके लिए भी एक ही चीज़ है कि हम अपनी बेखबरी से बाखबरी की तरफ कदम उठाए, बेहिसी से बाखबरी की तरफ आ जाए, क्योंकि हमने एकदम अपनी जिंदगी पे महदूद बना लिया है, बिल्कुल मतलब महदूद बना लिया है। हम अपनी खोल में जी रहे हैं, हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है वो हम नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, और क्या नाजुक हालात से गुजर रहे हैं हम। लेकिन ये कि आज हमारे हालात में देखिए ना कि मुसलमान नौजवान लड़के जोहर के वक्त तैयार होते हैं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, बाखुदा चश्मे भी बात कर रहा हूँ, कि नौजवान
जिस कौम का सरमाया होता है, आज हमारा सरमाया किस तरफ जा रहा है, क्या हाल है हमारे सरमाए का। 1:30 बजे उठते हैं, जिस तरह शाम के बाजार सस्ते हैं, कभी अपने वक्त में जो नवाब जाया करते थे, जब कोटों में लड़के तैयार होते हैं निकलते हैं, और मैंने सुबह के वक्त देखा है 5 बजे लौटते हुए, क्या है, क्या होगा उस कौम का, कैसे हाल होगा हमारा, कैसे हम जिएंगे और कहां तरक्की होगी हमारी। पता नहीं रात में क्या मनसूबे है, किस तरह है, क्या काम है, जिस कौम का अल्लाह के रसूल ने सख्त तंबी की है कि ईशा के बाद कोई जाने का, अल्लाह के रसूल ने बहुत सख्ती से कहा कि जी जाते हैं उन घरों को आग लगा। आज हमारा वतीरा क्या है, रात को 1 बजे हम चलते हैं कि भाई खाना खाने के लिए वो ढाबे पे जाएंगे, 2 बजे वहां पहुंचेंगे, 4 बजे वहां से निकलेंगे, मनसूबा क्या है, काम ही नहीं रहा है हमारे पास में। तो ऐसे वक्त में मुबारकबाद के मुस्तहिक के वफ़ाद जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने इतना जज्बा रखा है, और ये जज्बे की सताइश करनी चाहिए, इसकी कदर करना चाहिए। और जो थोड़ी सी बेदारी के तौर पर मेरे अजीज बैठे हैं राशिद अजीम साहब, मैं चाहूँगा कि ऐसे ज़राए से, मैंने समझता हूँ कि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा मुताहरिक हुई है या बहुत ज़्यादा इसकी इश्तहार या मुस्तहिल हुई है बात है, वरना बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अब ये है कि जो भी आए हैं कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने तमाम साथियों को बाखबर करें, और कम से कम एक बहुत, मैं क्या कहता हूँ कि बहुत तवील मनसूबा बंदी ना करें, लेकिन मुख्तसर मनसूबा जामे बनाए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे अक्सर है ना जिसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इससे हमारी बहुत सी तमानियाँ जाहिर होती है। बस मैं अपना ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी तहरीर में इस बात पर, क्योंकि मुश्ताक भाई ने एक शेर कह दिया तो मुझे भी एक शेर याद आ गया है, कमाल बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में, कमाल बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता, उभरने ही देख देती हमें बेमाय की अपनी, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता।